हेलो स्टूडेंट्स तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का थेटिकल बेसिस समझने के लिए हमें सबसे पहले तो बहुत सारे टर्म्स को समझना जरूरी है जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड तो हमें सबसे पहले पता करना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है तो हमने पिछले कुछ वीडियो में भी देखा है द कोवेलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के अलग अलग टाइप कौन से कौन से होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए आप वर्ड यूज किया गया है दैट इज वेरियस कोवेलेंट बॉन्ड्स तो कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ

एच आपको पता है एच टू इज वाटर तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन विथ म्यूचुअल शेयरिंग दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिमिलरली विद दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज अ सिंगल बॉन्ड द बेस्ट एग्जाम्पल इज वॉटर इफ यू सी हियर दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड

तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस नाइट्रोजन ने किया और तीन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर किया अल्टीमेटली सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है जिसके वजह से हमें मिला है ट्रिपल बॉन्ड तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के तीन प्रकार होते हैं और एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किया जाता है और वो है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन पोलैरिटी दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसके लिए एक समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वैसे आप यहां पे देख सकते हैं दिस दिस इज इज एंड मॉलिक्यूल राइट तो इसके अंदर ये सी एल आइटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये सी एल आइटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे सी एल के अंदर एक सिंगल बॉन्ड आ गया दो सी एल के अंदर एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो इस सीएल के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितने इसमें हैं तो इसका पुल कुछ ज्यादा नहीं रहेगा एक दूसरे का दे विल पुल इलेक्ट्रॉन इन इक्वल अमाउंट तो यहां पे हम बोल सकते हैं देर इज नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इन दिस टू आइटम्स इन दोनों सी टू के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर वही हम इसमें देखेंगे पोलार के अंदर अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन क्लोरिन आर मोर सो द इलेक्ट्रॉन पुल इज ऑल्सो मोर तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खुद की तरफ खींचेगा जिसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने की वजह से डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होता है जिसके वजह से यहां पे हम बोलेंगे कि ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है जो एच के अंदर प्रेजेंट है और यहां पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं तो हम बोलिए इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर मोर स्पेसिफिकली इसको करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डेफिनेटली पे देख सकते हैं आप ये इक्वल शेयरिंग हो रही है सीएलसीएल के अंदर लेकिन यहाँ पे सी यह एल के अंदर सीएल के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यूजली फॉर्म हाफ वे बिटवीन द आइटम्स जैसे ये सीएल है और ये भी सीएल है तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे आपको जब शेयरिंग कर रहे हैं तो इसी पोलार बॉन्ड में अगर एच सी के अंदर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा है सीएल के पास तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिडल में नहीं मिलेगा आपको ये सीएल की तरफ पुल किया हुआ मिलेगा लिटिल मोर पुल्ड टूअर्स सी बट दिस इज वेरी इक्वल इलेक्ट्रॉन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एटम्स तो यह हाफ वे पे मिलेगा और इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाउंड क्लोजर टू वन ऑफ द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव चलिए देखते थर्ड तो यहां पर क्या है ये जो नॉन कोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अकर्स बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था सी एल टू उसी तरह सी एल टू एच टू ओ टू ऐसे दिस नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी सीन इन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड वेयर इज अलेक्ट्रोनिविटी डिफरेंस बट द अदर हैंड बट दिस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी सीन इन दिफरेंट एलिमेंट इनके अंदर इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस होता है जैसे कि एच सी एल ओके चलिए देखते फोर्थ पॉइंट बोथ एटम्स है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे कि सी एल और सी एल में इक्वल अट्रैक्शन है इसके वजह से यहां पर चार्जेस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और हमें यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है सो देर इज नो इलेक्ट्रोनिगेटिव बट ऑन अदर हैंड इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वन एटम विल ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ड्यू टू विच चार्ज फॉर्मेशन इज हैिंग एंड इसके अंदर कुछ चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं बैलेंस डायपोल बट इसके अंदर चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है पोलर के अंदर इसलिए हम बोलेंगे नेट डायपोल

तो चलिए वन बाय वन हम इनको जान लेते हैं ये जो सबस्ट्रेट होता है दिस सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स अटैक्ड बाय द रिएजेंट जिसके ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है और रिएजेंट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्टेंट विच अटैक्स सबस्ट्रेट तो मीन्स इसके ऊपर अटैक होता है ऑन विच हम बोल सकते हैं ऑन विच अटैक टेक्सप्लेस एंड द रियजेंट इज वन हुके ये अटैक करता है और यह अटैक करके लेता है इसके ऊपर अटैक होता है ओके okay? तो यह सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इन दोनों को हम कंबाइनिंगली बोल सकते हैं रिएक्टेंट ओके okay. ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होते हैं जो मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट और ये रिएक्शन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कुछ फॉर्म होता है जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट और इसी को हम लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं जो कुछ इंटरेस्ट का नहीं है हमें ये चाहिए नहीं था मेनली हमें यही चाहिए प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट सो सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ये चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर तो सबसे पहले अभी हम देख सकते हैं तो जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है तो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन रिच रियजेंट को हम न्यूक्लियो कहते हैं तो मीन अगर सबस्ट्रेट कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा तो जो रिएजेंट अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द सबस्ट्रेट और जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये बात समझने के लिए हम बहुत सारी चीजें अभी समझ लेंगे और ये डिटेल में डिस्कस भी हम करेंगे जब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबस्ट्रेट का डेफिनेशन क्या है हम उसको भी करते हैं चलो द द दैट कार्बन टू न्यू बॉन्ड एंड गेट्स अटैक्ड अभी हमने देखा कि रियजेंट से जो अटैक हो जाता है वो होता है सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कार्बन को एक नया बॉन्ड देता है एक बॉन्ड तोड़ के दूसरा नया बॉन्ड बनाने को हेल्प करता है और जो रिएजेंट से अटैक होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएजेंट का डेफिनेशन रिएजेंट इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज विच अटैक्स द अभी यहां पे दो चीजें हमने देखा इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो इसका मतलब ये जो रिएजेंट होता है दो तरह का होगा एक होगा इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो उसके हिसाब से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट तो रिएजेंट के दो प्रकार होते हैं वन इज इज इलेक्ट्रोफाइल 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 एंड अदर न्यूक्लियोफाइल ये जो electrophile होता होता है है जब भी रिएजेंट तो उस रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं और जब भी रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है तो उस रिएजेंट को, तो को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं लेकिन इस शब्द का मतलब क्या है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड द फिलिक का मतलब होता है लविंग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी ऐसा कोई रिएजेंट है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी वो जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर अटैक करेगा तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फिलिक मीन लविंग जिसके तरफ उसका अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्शन है ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए जहां पे भी इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा दिखते हैं ऐसे स्पीसीज पे वो अटैक करने वाला है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियो न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है ओके okay, तो अभी न्यूक्लियोफिलिक इसका मतलब ये जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफिलिक इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और वो अभी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करना चाहता है ओके okay, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विच गेट्स अटैक ऑन अ न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है उसके ऊपर ये जाके खुद अटैक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है ओके okay, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दैट इज प्रोडक्ट सो ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिक रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट अंडरगो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर जो रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट वो कुछ चेंज हो जाते हैं अ कोवेलेंट बॉन्ड एट कार्बन इन द रिएक्टेंट इज ब्रोकन जो कोवेलेंट बॉन्ड उस सबस्ट्रेट के अंदर होता है वो टूटता है एंड न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड गिविंग राइज़ टू द प्रोडक्ट जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं यहां पे ये है सबस्ट्रेट CH4 Cl2 है रिएजेंट सी एच फोर के अंदर का सी एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहां पे सी सी एल बॉन्ड नया फॉर्म हो जाता है कैन यू सी हियर ये C -C -H bond, C -H bond, ये बॉन्ड 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 यहां पे टूटा है और यहां पे सी सी एल बॉन्ड फॉर्म हुआ है सो so, वही चीज हम यहां पे बोल रहे हैं ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिक रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट अंडरगो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर सी एच फोर से सी एच थ्री सी एल बन गया है यही उस

इन रिएक्शन आर कॉल्ड बाय बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो यह बन गया यह है, है, reagent, है, product, है, यही है में कौन से कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से बॉन्डेड होते हैं जैसे कि कोवेरेंट बॉन्ड से वो बॉन्डेड होते हैं तो दिस जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है ये कुछ

या इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देना इसी को कहते हैं रिएक्शन तो अभी हम धीरे-धीरे रिएक्शन धीरे, का बेसिस समझने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी देखते हैं ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों सीखना है नॉलेज ऑफ रिएक्शन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कंसर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टर्न हेल्पफुल फॉर प्लानिंग द सिंथेटिक स्ट्रैटेजी तो दो चीजों के लिए रिएक्शन का हमें पता रहना बहुत जरूरी है पहला है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से रिएक्टिविटी करता है और दूसरी बात हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सिंथेटिक सिंथेसिस स्ट्रैटेजी होती है ये प्रोडक्ट को किस किस तरीके से हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से यह जो सिंथेटिक स्ट्रैटेजी होती है उसका प्लानिंग करना अलग अलग सिंथेटिक सिंथेसिस के अलग अलग वेज ढूंढ के निकालना यह होता है ये दो चीजों के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पता करना है है और समझना है, तो बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना बहुत जरूरी है और वो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मीन किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट के अंदर टूटता है किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ क्लिवेज ऑफ कोवल एंड बॉन्ड किस तरह से टूटता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट कौन से कौन से टाइप के रिएजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे कौन से कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं जब रिएजेंट जाके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना चाहता है और या करता है तब कौन से कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट इस सबस्ट्रेट के बनते हैं एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एग्जैक्टली exactly इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी वो सब हम अभी स्टेप स्टेप बाय देखेंगे ताकि हम रिएक्शन मेकेजम को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ क्लिवेज ऑफ कोवेल एंड बॉन्ड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए थैंक यू